ओइकु, हाँ? कल पढ़ाई करने तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मॉम से पूछकर बताती हूँ। ओ, वो देखो तुम्हारी मॉम। चलो उनसे अभी जाकर पूछते हैं। नहीं मरचान, मैं उनसे बाद में पूछकर तुम्हें बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, चलेगा। बाय। मिलते हैं। बाय। मेरी बैग क्यों लेकर आई हो? आओ यहाँ बैठो। बताओ मेरा बैग क्यों लेकर आई हो? तुम्हें याद है वो पहला दिन जब हम मिले थे? तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने मुझे आंसू बुलाया था, वैसे अब भी आंसू ही बुलाती हूँ। ठीक है, नाराज मत होना, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही हूँ। वैसे मैं भी तुम्हारी जगह होती तो अपने आप को माँ नहीं बुलाती। ये लो। क्या है ये? तुम्हारे लिए लिखा है, बाद में पढ़ लेना। गुड बाय ओइकु। आंसू, आंसू। ठीक है, मैं समझ गया, हमें जल्द से जल्द उस ट्रक में चढ़ना होगा। हाँ गाइस, चलो सामान उठाते हैं। हाथ दो मुझे। हम कहाँ जा रहे हैं मैम? आपने कुछ बताया नहीं मैम। एयरपोर्ट चलो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की ओर। जी। ओइकु, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छी इंसान नहीं बन सकती। कोशिश की पर नहीं हुआ। मैं तुम्हारा और खुद का ख्याल नहीं रख सकती। मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं बन सकती, मां तो दूर की बात। इसीलिए मुझे भूल जाओ और अपने पापा के पास जाओ। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं ये नहीं कर सकती,
आंसू। बहुत बढ़िया मेरे भाई, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ चला गया वो? उम्मीद करती हूँ वो ठीक होगा। ये लो मेरी बच्ची, एप्पल खा लो, बहुत स्वादिष्ट है ये, जैसे तुम्हें पसंद है खा लो। थैंक यू दादी माँ। कोई बात नहीं, ये लो खा लो। गुड़िया, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पापा घर पर नहीं है हमें पता है, पर माँ कहाँ है? तुम यहाँ इतनी भारी सूटकेस लेकर अकेली कैसे आ गई? आपने पापा को कॉल किया, कहाँ है वो? मैंने कॉल किया था लेकिन लग नहीं रहा बेटा। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और उर्ग जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। देखो वो दोनों आ गए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जाओ जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। मुफीदी एदी गुजेल। हाँ वो मैं हूँ, बताइए क्या बात है? आप प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। ये क्या हो रहा है? शांत हो जाओ बेटा। मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन क्यों आऊँ? क्या बात है बताइए। उर्ग एदिगुजेल आप ही का बेटा है ना? जी हाँ। और वो देमिर गोकतुर्क, वो चोरी के मामले में वांटेड है। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ गलत फहमी हुई होगी। मेरे बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। आप पहले पुलिस स्टेशन चलिए प्लीज, वहाँ पर आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए हम बाहर आपकी राह देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, कुछ गलती हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको गलत फहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकते।
शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे भाई, मैं यहाँ पर पक गया हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या तुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे घुटन हो रही है। हाँ इसकी वजह मुझे पता। क्या कहा तुझे, पता है? हाँ, तेरे दिमाग में भेजा ही नहीं है ना, बस भूसा भरा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है तुझे। तुझे मजाक सोच रहा है, है? क्यों खाली फोकट मेरा मजाक उड़ा रहा है? खाली फोकट मजाक उड़ा रहा तो क्या? तू जब बाहर निकल, कब से बकवास कर रहा है? चल निकल यहाँ से बाहर, चल। पक गया हूँ तेरी बकवास सुन सुन के। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं। जहन्नुम में, समझा? तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू चुप बैठ यार, ज्यादा बोल मत, और थोड़ा दूर दूर रह, दूर रह मुझसे, दूर रह। अब तो हद ही हो गई। जिलेट, विश्वास नहीं होता तुम्हारे साथ चार लोग होते हुए भी वो छूट कैसे गए। कमाल, बैठ जाओ, हम बात करते हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको हथकड़ी पहनाई थी और बांध के भी रखा था, फिर भी समझ में नहीं आता वो कैसे निकल गए। कहाँ गए होंगे वो लोग? मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूँ और पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है, जरूर वो पकड़े जाएंगे। उनके पास वो हीरे भी है ना? डैम इट, हमने उनके साथ हीरे भी खो दी। अब मुझे एक काम करके क्या मिलेगा बताओ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताओ। जिलेट, शांत हो जाओ जमाल, शांत हो जाओ। मैं बता रहा हूँ ना, वो मिल जाएंगे, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। समझ गया, लेकिन मैं भी ये काम कर सकता हूँ। हम साथ में करेंगे, हमने ये काम साथ में शुरू किया था। मैं कॉल करूंगा। ठीक है जमाल, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ उन्हें ढूंढ निकालेंगे, उनका बचना अब नामुमकिन है। खड़े गए हो, जाओ जाकर चाय लेकर आओ। पुलिस फोर्स अभी भी एम्बेसी का हीरा और उसे चुराने वाले चोरों को ढूंढ रही है। पुलिस ने लोगों से यह आह्वान किया है कि अगर ये चोर कहीं पर भी दिख जाएं, तो तुरंत पुलिस को खबर करें। गौर से देखिए, पुलिस फोर्स टीवी पर दिखाए जाने वाले सस्पेक्ट्स को ढूंढ रही है। हमें इस केस के बारे में जैसे ही खबर मिल जाती है, उसे यहाँ पर प्रसारित किया जाएगा। डेमिर, ये क्या कर दिया तुमने? हेलो ओइको, तुम कहाँ हो? तुम क्या, तुम पुलिस स्टेशन पर हो? ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, बस आती हूँ मैं। ओह नो, ये क्या हो गया? आप ठीक है मैडम? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। देखिए कमिश्नर साहब, मैंने बाकी पुलिस वालों को भी बता दिया है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैडम, ये कोई पहला क्राइम नहीं है जो उन्होंने किया है, मैंने बताया ना, ये देखिए उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल। लेकिन देमिर और मेरा बेटा हर रोज काम पर जाते थे, वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ये सब करेंगे भी कब? वो तो काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, मैं सच कह रही हूँ ऑफिसर, मेरी बात मानिए। कौन से काम की बात कर रही हैं आप? कोई काम नहीं है उनके पास, आपको क्या लगता है क्या काम था उनके पास? मैडम,
आपका बेटा चोर है, चोर। उसने आपसे झूठ कहा है, बल्कि वो तो अभी अभी जेल से छूटा था। क्या पता जेल में था तब उसने आपको क्या क्या बताया होगा। वो जेल में था सच में? कम इन। कैप्टन, हमने रिसर्च कर लिया है, लगता है इसकी माँ फॉरेन चली गई है। क्या? बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा इस शहर में तुम्हारा कोई और रिलेटिव है? अच्छा, तो फिर हमें सोशल सर्विस को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इसकी रिश्तेदार हूँ, मैं इसकी दादी माँ हूँ, मैं मेरी बच्ची का ख्याल रख सकती हूँ। आप इसे कहीं मत जाने दीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी, तुम डरो मत बच्ची। मैडम, सोशल सर्विस वाले इसे वहाँ नहीं रहने देंगे जहाँ इसका खून का रिश्ता ना हो। इस केस पर काम शुरू करो, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, क्या करूं? अरे भाई, अब तुझे क्या हो गया? अरे अब मैं पक गया हूँ यार। देखा, तू मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर वाले से दुआ कर कि सब ठीक हो जाए। ये क्या बकवास कर रहा है तू, क्या बोल रहा है? एक तो हमारी पहले से वाट लग गई है, मुझे ओइकू की चिंता हो रही है। वो पागल आसू उसका ख्याल रख रही होगी कि नहीं, और ओइकू दवाई खाती होगी कि नहीं, और ऊपर से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरी बात सुनो, वो कल आकर तुम्हें ले जाएंगे, तैयार रहना, ठीक है? ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, घबराना नहीं। मैं बिल्कुल नहीं घबराती। ये कह रही है लेकिन इससे डर लग रहा है, ये छोटी सी बच्ची है। आप इसकी जगह होते तो आप भी घबरा जाते। प्लीज इसे मेरे साथ रहने दीजिए। आयसन, यहाँ आओ। हाँ सर। जरा इन मैडम और बच्ची का ख्याल रखना, इनका स्टेटमेंट भी लेना होगा। ठीक है सर। मैडम चलिए, आपका स्टेटमेंट लेते हैं। देखो तुम यहीं पर रुकना मेरी बच्ची, यहीं पर ही रहना, ठीक है ना? जाना दीदी, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? हुआ क्या? दादी माँ कहाँ है? वो उन्हें वहाँ पर लेकर गए। क्यों, उस तरफ क्या हुआ? पुलिस, पुलिस ने क्या कहा ये बताओ। मेरे पापा ने चोरी की है और अब वो मुझे अनाथालय भेजेंगे। क्या वो तुम्हें अनाथालय भेजेंगे? तुम्हारी माँ कहाँ है उनको? मुझे नहीं पता। बेटा तुम यहाँ पर बैठो, प्लीज आओ यहाँ पर बैठो, सब ठीक है। तुम यहीं पर रुको, मैं ऑफिसर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? तुम घबराना मत बिल्कुल, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ। ओके, क्या हो गया भाई? अब ये ट्रक रुक क्यों गया? अरे चुप रहे ना, क्या कर रहा है? एक मिनट, हेलो, कैसा चल रहा है? टंकी फुल कर देना। ठीक है, जरा रुको, ये काम करके आता हूँ। हम लोग पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आया, एक मिनट। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, कहाँ जा रहा है? टॉयलेट जा रहा हूँ यार। अरे तू पागल हो गया क्या? नीचे बैठ जा। ये क्या कह रहा है तू? मुझे टॉयलेट जाना होगा। नीचे बैठ जा, कहीं नहीं जा सकता तू, समझा? अरे कैसी बात कर रहा है तू, यहीं पे कर दूँ क्या? मैं जल्दी से जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा, उसके पेट्रोल भरने तक मैं आ जाऊंगा।
अरे क्या बात कर रहा है तू? बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, पागल हो गया क्या? तेरे लिए डायपर क्या कर रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? यहाँ पर टिश्यू पेपर भी है क्या? हाँ है ना। ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ। मैं अभी आया। ठीक है, तू नहीं जा सकता। अरे और नहीं जाऊंगा तो पैंट में हो जाएगी। वो देख, जेंट्स टॉयलेट वहां पर है। हेलो, आइए। आपके पास कोई सिम कार्ड है? हाँ है। एक दीजिए ना। ये लीजिए। थैंक यू। सो तुमने फोन क्यों बंद कर दिया है? अभी क्यों फोन बंद किया? अच्छा किया, यहाँ लाओ, मैं मेरी मॉम को कॉल कर लेता हूँ। इससे कोई हमें ट्रैक नहीं कर सकता। जासू का फोन नहीं लग रहा है यार, एक मिनट। पहले मेरी मॉम को कॉल करने दे। अरे रुक, जरा शांत रहना तू। मैं फोन लगा ना, मैंने मेरी मॉम को कॉल करने दे। रुकना, और मैं आंसू से बात करना चाहता हूं। जो करना है वो कर। अरे कमाल यार, क्या प्रॉब्लम है तेरी? लेकर कॉल कर, लगा कॉल अभी जिसको लगाना है। जा चल कर कॉल। अरे मॉम, जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी करो, कहाँ हो आप? आंसू का फोन बंद भी होगा, जरूर कहीं पर जाकर गिर गई होगी। हाँ ठीक है, हम उन्हें बाद में कॉल कर लेंगे। चल चल जल्दी चल यहाँ से। अरे रुक जा, मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। मुझे ओइकू ने दवाई ली कि नहीं ये पूछना चाहिए। अरे यार, हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम फोन कर लेंगे। रुक जा यार, एक मिनट। क्या कहा, उनकी माँ फौरन चली गई है? जी हाँ, उसे कैप्टन ने इन्फॉर्म कर दिया है। अब तक तो इतना ही पता है। वो मुफीदे मैडम का स्टेटमेंट ले रहे हैं, वो होने पर आप जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, हैव अ गुड डे। ओइकू, हम दादी माँ के आने पर घर चले जाएंगे, ठीक है? क्या बात है? ये टूट गया है। दिखाओ तो मुझे। ये तो खुल गया है। आंसू ये सिला देती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिलवा दूंगी इसे। मैं घर जाने के बाद इसे देखती हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो। हेलो। हाँ हेलो, हे ऊपर वाले चंदन, मैं हूँ देमिर। अच्छा, अगर तुम बाहर हो तो प्लीज किसी को पता मत चलने देना कि मैंने कॉल किया है। दरअसल मैंने ओइकू के लिए कॉल किया है। हेलो, हाँ तुम चंदन सुन रही हो ना? हेलो हेलो, हाँ हेलो चंदन, सुनाई दे रहा? चंदन कुछ तो बोलो। हेलो चंदन, चंदन हेलो, हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं अभी शहर से बाहर हूँ चंदन। तुम्हें पता भी है ओइकू कहाँ पर है? मैं
मैं कुछ समझा नहीं, कहाँ पर है वो? पुलिस स्टेशन में है, मुफीदे के साथ पुलिस स्टेशन में है। आंसू गायब हो गई है, कहीं चली गई है। यहाँ मुफीदे का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। ये लोग कल ओइको को अनाथालय भेज देंगे। अब तो खुश हो ना तुम देमिर? मैं कुछ समझा नहीं, अनाथालय? आंसू कहाँ पर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फॉरेन चली गई है वो। वो कहाँ गई है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इस छोटी बच्ची को अकेली छोड़कर चली गई है। अरे यार वो जा रहा है, चल चल फोन छोड़, हमें जाना होगा, चल चल जल्दी कर, वो देख वो जा रहा है। जानदान, वो ओइको को कब ले जाएंगे वहां से? तुम्हें यहाँ आकर खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। यहाँ आओ और खुद को सरेंडर कर दो। ओइको के लिए ये अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा, एटलीस्ट ये तो करो देमिर। अरे देमिर, देमिर वो जा रहा है, देमिर नहीं वो निकल गया, देमिर दे... अरे यार वो देख वो चला गया यहाँ से, सब खत्म हो गया, वो देख गया वो यहाँ से, गाड़ी लेकर गया वो। ये क्या किया तूने? देमिर क्या हुआ मेरे भाई? हमारी ओइकू ठीक तो है ना, तू कुछ बोलता क्यों नहीं मेरे भाई? अरे यार एक मिनट रुक जा, आंसू एक तो भाग गई है, वो अब ओइकू को अनाथालय भेजेंगे और मुफीदे मां पुलिस स्टेशन में बैठे। क्या? अरे यार मेरी मॉम पुलिस स्टेशन में क्यों है? अभी तो उन्हें सब पता चल जाएगा, इससे तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, लानत है मुझ पर, सब कुछ खत्म हो गया मेरे भाई। तू कुछ तो बोल, चुप क्यों है तू? शांत रह, एक मिनट रुक जा यार, वो सुन लेंगे, पागल हो गया क्या तू? हम लोग वापस जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वापस जाना पड़ेगा हमको, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बात बता, हम ओइको और मुफीदे माँ को पीछे छोड़कर और कितना दूर जा सकते हैं बोल? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर हम लोग करेंगे क्या ये तो बोल। हमें अरेस्ट होने से पहले ये प्रूव करना होगा कि जिलित ने ही हम लोगों को फंसाया था, और सारे फसाद की जड़ सिर्फ जिलित ही है, और हमारे पास खुद को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। कैसे, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? शांत रहे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सोचना पड़ेगा, रुक। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हमारी तो वाट लग गई। अब क्या करेंगे, अब हमें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी मेरे भाई, सच कह रहा हूँ, हम दोनों की वाट लग गई। यहाँ पर रोना मत छोड़, मैं ऐसे में शांत नहीं रह सकता हूँ। चल 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 आजा, चल यहाँ से, सब कुछ खत्म हो गया। मुफीदे मेरी कार वहाँ पर है। शुक्रिया बेटी, अगर तुम नहीं होती तो हम क्या करते? कोई बात नहीं, मैं आप दोनों के साथ हूँ मुफीदे। हे ऊपर वाले, मूर्ख बेटा ये क्या किया तुमने? आपको नहीं पता था है ना? मुझे कैसे पता होगा, मुझे पता होता तो मैं उसे मार देती, लेकिन मुझे लगा कि उसे अच्छा जॉब है, लेकिन ये तो चोर था, कितना झूठ बोला उसने। ठीक है, आप परेशान मत हो, ये बीपी हाई हो जाएगा, चलिए ओइको कार में बैठो। जरा देख तो यार, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई लिफ्ट देगा, हम दोनों ही चोर चक्के लग रहे हैं। अब और क्या कर सकते हैं, तेरे पास कोई और आइडिया बचा है क्या? अगर है तो बता मुझे, मैं करता हूँ। नहीं भाई मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो शांत रहना फिर, चुप हो जा। अरे यार आखिर कब तक मुझे डांटता रहेगा? क्या लगता है तुझे मैं तुझे डांट रहा हूँ? अगर डांट रहा होता तो मैं कहता कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे ऐसा लगता है ये सब मैंने किया? हाँ तो और क्या, तूने ही तो संजय को हमारे बीच में लाया था ना, हमारा अच्छा तो चल रहा था। तुझे उन लड़कियों के साथ पत्ते खेलते हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं थी? छोड़ यार, क्या पता था ऐसा होगा? हाँ तुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं होता है ना। ठीक है भाई समझ गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता ना, तंग आ गया हूँ मैं तुझसे, जा अपने लिए नया दोस्त ढूंढ ले। हाँ 15 साल में पहली बार तूने कुछ अच्छा आइडिया दिया है, चल जाए यहाँ से। एक बार फिर सोच, सोच लिया। ठीक है फिर निकल यहाँ से। हाँ, निकल रहा हूँ ना। दोई, दोई, चला। हेलो, हेलो, थैंक यू सो मच, आपने हमें लिफ्ट दी। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? हम दोनों ही इस्तांबुल जा रहे हैं। सच में? हाँ। तुम बहुत लकी हो, मैं भी इस्तांबुल ही जा रहा हूँ।
क्या बात है, हमें लिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी वहीं जा रहा था। थैंक यू। और अब तो मुझे बात करने के लिए दोस्त भी मिल गए। मेरा नाम अहमद है। अमित, मेरा नाम अमित है। मिलकर अच्छा लगा अमित। हाँ। ओसगुर। ओके ओसगुर। थैंक यू। यहाँ बहुत गर्म हो रहा है, तुम वो निकाल कर रख सकते हो। नहीं नहीं, ये ठीक है, हम लोग ठीक है। हमें बाहर बहुत ठंड लग रही थी इसलिए हमने ये पहन रखा है, और कुछ नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम बीमार पड़ सकते हो इससे। मैं बता रहा हूँ, निकाल दो तुम इसे, इस तरह तो दिमाग खराब हो जाएगा। और निकाल के रख दोगे तो अच्छे से बैठ भी जाओगे। अरे आराम से बैठो, अपनी गाड़ी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें देखा है पहले मैंने कहीं। ये कैसे हो सकता है, तुम हमें कैसे देख सकते हो? क्या पता, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? नहीं नहीं, पहले तो हम नहीं मिले हैं, अगर मिलते तो अच्छे से याद होता। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी याद होता कि हम पहले मिले थे। नहीं, मैंने तुम्हें देखा है कहीं पे, सच में। अगर याद नहीं आया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने कहाँ देखा है तुम्हें, एक मिनट एक मिनट। हाँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। टीवी पर? तुम टीवी शो पर एक्टिंग करते हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें टीवी पर ही देखा है। क्या बात है, सही कहा तुमने, हम टीवी पर शो करते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं उसमें। हाँ, मुझे लगा ही था। सही कहा तुमने। हाँ, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत नेचुरल रहती है यार, मजा। सच में? लेकिन तुम्हारा काम है बहुत मुश्किल। हाँ वैसे सही कहा आपने, हमारा काम बहुत मुश्किल है। हम वहाँ से शूटिंग करके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में आते वक्त हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, और फिर हमने हमारी गाड़ी को वहीं रास्ते में छोड़कर हम वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ गए। हमने सोचा कि शायद हमें कोई लिफ्ट दे देगा तो हम इस्तांबुल पहुँच जाएंगे, और फिर आप मिल गए। देखिए ना, हम कितने खुश नसीब हैं, हम भी इस्तांबुल जा रहे थे और आप भी, इसी तरह आपसे दोस्ती भी हो गई और मदद भी मिल गई। कोई बात नहीं यार, ऐसे मत कहो मुझे, मुझे मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मदद करता रहता हूँ। और मेरे लिए किसी आर्टिस्ट से मिलना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे एक बात पूछनी आपसे, आजकल आर्टिस्ट लोगों का कैसा चल रहा है? मुझे बचपन से आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक था। सुनो बेटी, मैं जाकर जरा सोती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप सो जाइए, आप बहुत थक गई होंगी, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। नहीं बेटी, तुम बस ओइको का ख्याल रखना। ओइको, तुम्हें कुछ चाहिए? भूख लगी है क्या? जानदान दीदी, क्या वो मुझे अनाथालय भेजेंगे? बेटा, कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन अनाथालय इतने खराब नहीं होते हैं, तुम्हें पता है? वहाँ पर तुम्हारी उम्र के बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हें, तुम बहुत सारे दोस्त भी बना पाओगी, पता है? मुझे पता है जानदान दीदी, मैं पहले भी वहाँ जाकर आई हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने वहाँ जाकर पूछताछ की थी। छोड़ो, जाने दो। Thank you.
यहाँ तक लिफ्ट देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब हम चलते हैं। उमित, हे उमित, हाँ तुम मेरा काम कर दोगे ना? हाँ हाँ मैं जरूर कर दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, कर दूंगा मैं उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, लीड रोल तुम ही करोगे। अपना ख्याल रखना, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हम बाद में मिलते हैं। उर्ग, हाँ ये कितना अच्छा आदमी है, लेकिन हमने इसको फंसा दिया। पता है। ठीक है चलो अब चलो। वो नहीं आ रही, उन्हें थोड़ा खा लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो शौक में है, हम खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। जानदान दीदी। हाँ बोलो ना बेटा। अगर पापा को पुलिस पकड़ लेगी तो फिर क्या होगा? मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्हें पहले कोर्ट में ले जाएंगे और उनके बारे में जज फैसला करेंगे। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। अच्छा ओइकु, तुम्हें पता है ना, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तुम मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बता सकती हो। तुम मुझे सब कुछ बता दोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो खुलकर बताओ, मैं सुन रही हूँ। दिल के अंदर कुछ भी मत रखो, ये ठीक नहीं है, समझ रही हो? ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आंसू चली गई है? वो मुझे नहीं चाहती थी तो उन्होंने मुझे ढूंढ क्यों लिया? मैं मेरे पापा के साथ अच्छे से रह रही थी। उन्हें मुझसे प्यार क्यों नहीं था? मैंने उनका क्या बिगाड़ा? मुझे नहीं लगता तुमने कुछ भी किया, ऐसा मत सोचो। मेरी अगर तुम्हारी जैसी स्वीट होशियार बेटी होती तो मैं बहुत खुश होती। देखो तुम्हारी माँ, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को प्यार करना नहीं आता। शायद वो खुद से ही प्यार नहीं करती हूँ और इसलिए वो किसी और से प्यार नहीं कर पा रही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ओइकू, तुम कभी खुद को दोष मत देना, समझ गई? कभी नहीं। मुझे मेरे पापा को छोड़ना नहीं चाहिए था। जब मैं उनके साथ ही तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बुरा काम नहीं करेंगे। अगर मैं उन्हें नहीं छोड़ती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। काश मैं उनकी बात नहीं सुनती। किसकी बात कर रही हो तुम? ओइकू किसकी बात कर रही हो तुम? कोई भी नहीं। आ जाओ जयमाल, आओ बैठो। क्या चल रहा है? मुझे देमिर और उर्ग को ढूंढना है, कहीं भी छुपे हो ढूंढ कर लाओ। तुमने सुना वो लोग इस काम के बाद कहां चले गए हैं? हाँ वो तो अब खत्म हो गए, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना, किसे पता वो कहां होंगे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कब का शहर छोड़ चुका होता बेशक। लेकिन जमाल बात क्या है, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा उनके पास पुराना हिस्सा बाकी है। मतलब मौके का फायदा उठाना चाहते हो? हाँ कुछ पता लगेगा तो बता दूंगा। थैंक यू। मुझे ये भी बताओ संजर कहाँ है, तुम्हें तो जरूर बताओगा। संजर, चलो गुड नाइट संजर। मिलते हैं आसन।
देमिर? हाँ देमिर। मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। हाँ शायद जल्दी मरोगे। तुम्हें या किसी ने देखा तो नहीं? वो सारी बातें छोड़ो और अब बताओ कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता था। कसम से मुझे तो खुद टीवी से पता चला, वहाँ देखा। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ये रिस्क लेकर तुम्हें वहाँ क्यों भेजता? अगर तुम पकड़े जाते तो तुम पुलिस को मेरा नाम जरूर बताते। संजय ये सब बातें छोड़ो, हम मुसीबत में हैं और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ठीक है ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे रहने का इंतजाम करना होगा। एक जगह है, मेरे साथ आओ, किसी को नहीं पता और खाली है, तुम कुछ देर के लिए वहाँ रह सकते हो। मेरी बात सुनो, तुमने हमारे साथ कुछ गलत किया ना तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ गए ना? ठीक है देमिर, मैं समझ गया, अब चलो। ओइको, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छी इंसान नहीं बन सकती, कोशिश की पर नहीं हुआ। मैं तुम्हारा और खुद का ख्याल नहीं रख सकती, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे भूल जाओ और अपने पापा के पास जाओ। मैं ये नहीं कर सकती आंसू। आंसू, तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? काश मैं तुम्हें यहां ओइको के पास रख पाती, काश कि तुम यहां पर रह पाती आंसू।